कभी हथियार उठाकर दूसरों का खून बहाने और अपराध को उद्योग मानने वाले कैदी अब जेल में रचनात्मकता की नई इबारत लिख रहे हैं। दरअसल 7 साल से लेकर आजीवन कारावास काट रहे आगरा की सेंट्रल जेल के बंदियों ने जेल की चार दीवारी के अंदर ही अपने हुनर को तराशने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में करीब 30 कैदियों के पास लकड़ी को तराशने का हुनर पाया गया, जो कि फर्नीचर बनाने लगे। फर्नीचर की गुणवत्ता इस स्तर की है कि जेल के अंदर फर्नीचर उद्योग ने एक बड़ा रूप ले लिया। वैसे जेल मैनुअल के मुताबिक फर्नीचर उद्योग से जुड़े हुनरमंद बंदियों को 40 रुपए रोज मजदूरी मिलती है, तो वहीं अर्धकुशल कारीगर को 30 और अकुशल कारीगर को 25 रुपए मजदूरी मिलती है। फर्नीचर उद्योग से इस समय 2 दर्जन से ज्यादा बंदी जुड़े हुए हैं, लेकिन वहीं बंदी कल्याणकारी सहकारी समिति में पंजीकृत कैदी 5 से लेकर 7 हजार रुपए भी कमा रहे हैं। और कई कैदी जिनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, वो अपने हुनर से कमा कर पैसे अपने घर पर भी भेज रहे हैं। आगरा सेंट्रल जेल के कैदी कुर्सी, बेस, गवर्नर कुर्सी, स्टील बुक रैक, ऑफिस टेबल, ऑफिस स्टील अलमारी, कंप्यूटर टेबल, स्टील फ्रेम, स्टूल, हाफ बैक कुर्सी, फुल बैक कुर्सी, सेंटर टेबल जैसे फर्नीचर को बनाकर बेच रहे हैं। और गुणवत्ता इस स्तर की है कि अब तक फर्नीचर को लेकर कोई भी शिकायत जेल अधीक्षक को नहीं मिली है। जो हाथ कभी हथियार उठाने की वजह से जेल की सलाखों के पीछे आज बंद हैं, आज वही हाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के करीब 1.5 दर्जन के जिलों की अदालतों में अपने हुनर से पहचान बना चुके हैं। मेरा नाम रामप्रकाश कुशवाहा है, मैं कारपेंटर ट्रेनर हूं और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत से यहां पर मैं ट्रेन कर रहा हूं इन सभी लोगों को। और ये कैदी हैं जो कि यहां पर अपनी ट्रेनिंग अच्छे समय से कर रहे हैं और काफ़ी इन पर उत्सुकता देखी जा रही है, जो कि ये अच्छे से अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। और क्या क्या सिखाते हैं उनको? इनको हम सिखाते हैं इसमें जैसे कि लकड़ी की कुर्सी बनाना है, मेज करना, डोर दरवाजे वगैरह, खिड़कियाँ हैं। और जो कारपेंटर से घर में जो भी घर हो आपका, इंडस्ट्री एरिया हो, उसमें कोई भी कारपेंटर से रिलेटेड कोई भी कार्य आए, ये सभी काम में निपुण बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर इनका उत्साह कैसा लग रहा है आपको? सीखने का मन रहता है इनका? हाँ जी, हाँ जी, इनका पूरा उत्साह देखा जा रहा है इनके अंदर और पूरी लगन है इनके साथ और सीखने का एक जज्बा है। ये सीखना चाहते हैं, सीखने चाहने के बाद ये अपना बाहर भी अपने अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी कैदी काम कर रहे हैं, सीखने के बाद कुछ कैदी यहाँ पर काम करते हैं, बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर? हाँ जी, अभी तो जो कुर्सियों अभी जो कैदी हैं उन्होंने कुर्सियाँ बनाई हैं और जो जज साहब की टेबल हैं वो भी बनाई हैं, घरेलू आइटम है और जैसे खूटी वगैरह हैं वो भी बनाई हैं, मंदिर हैं, मंदिर बनाए हैं और भी बहुत सारे आदि सामान उन्होंने काफ़ी अच्छा सा बनाया है। और देखने के बाद इनका सामान की तरफ हर आदमी का आकर्षण इनकी तरफ खींचता है कि इस कलाकार को बहुत ही अच्छा अनुभव। यहाँ पर 30 कैदियों के बैच चलते हैं, इसमें मेरा बैच है जो कारपेंटर से है वो 30 कैदी हैं उसमें, और दूसरा नल कमान का है, नल साज का, उसमें भी 30 कैदी हैं, तीसरा है आपका टेलर मास्टर, तो उनको भी उसमें भी 30 कैदी हैं, ये 30 कैदी का बैच चल रहा है। ठीक, क्या नाम है? जी मुख्तार अली नाम है। मुख्तार जी, जेल के अंदर कितना समय हो गया आपको काम कर रहे हैं? जी मेरे 11 साल चली है जी, वही काम बाहर से ही करते थे जी, ना समय काटने के लिए अपना जी, जो हमें जिले आशा नहीं इसलिए हमने काम करते हैं यहाँ पे जेल के अंदर। हाँ जी, क्या क्या सामान बनाते हैं यहाँ? जैसे कि कुर्सी है, डबल बेड है, सिंगल बेड है, ड्रेसिंग टेबल है जी, लकड़ी का कोई भी प्रकार का आइटम। क्या आपको कुछ आजीविका चलाने के लिए पैसा भी मिलता है? जी हाँ, पैसा मिलता है जो महीने में पड़ेगा 4,000-5,000 जी, जैसे हम अपने परिवार के लिए भी पहुँचाते हैं। परिवार के लिए पहुँचा? जी हाँ, जो अपने परिवार के लिए पहुँचाते हैं खर्चा पानी और कुछ अपना भी चल जाता है इसी के द्वारा। अफसोस होता है आपको? अफसोस तो होता है, क्या घर से माँ बाप से लगे अपने, अफसोस तो है ही है, मजे ही अपने भाई बंदियों में रह के समय कटा था। हाँ नीचे ही रख रहे हैं। सर एक बार नाम बता दीजिए। वीके सिंह, वरिष्ठ जेल अधीक्षक, केंद्रीय कारागार आगरा। सिंह साहब, यहाँ पर ये देखने को मिला है कि कई कैदी जो है वो हुनर भी सीख रहे हैं और जब सीख जाते हैं तो कैदी को भी सिखा रहे हैं, और फर्नीचर के मामले में आगरा भी सेंट्रल जेल का नाम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें केंद्रीय कारागार के फर्नीचर उद्योग में जो कि बंदी कल्याणकारी सहकारी समिति के माध्यम से संचालित है, इसमें करीब 30 बंदी हमारे काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बंदी हैं जो कि इस कारागार में आने के बाद ही प्रशिक्षित हुए हैं
और उनको समय समय पर ट्रेनिंग भी हम लोग दिलाते रहते हैं, बाहर के लोगों को बुलाकर भी दिलाते हैं। और इस वर्तमान में भी एक प्राइम मिनिस्टर स्किल इंडिया के माध्यम से फर्नीचर उद्योग ट्रेड में एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारे यहाँ संचालित है, उनके माध्यम से हम लोग उनको समय समय पर ट्रेनिंग भी देते रहते हैं और साथ में लंबे समय तक काम करने के पश्चात अनुभव भी वो प्राप्त करते रहते हैं। और यही कारण है कि प्रदेश के लगभग 15-17 जनपदीय न्यायालय हैं, वहाँ से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो दरें अनुमोदित हैं उसके आधार पर हमको ऑर्डर मिलता है और हम लोग पूरे साल भर हमारे बंदी जो है उन ऑर्डर को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते रहते हैं और उनकी आपूर्ति हम लोग करते हैं। और सबसे सुखद अनुभव ये है कि लगातार ये काम करने के पश्चात और आपूर्ति देने के पश्चात किसी भी जनपदीय न्यायालय से कभी उनकी गुणवत्ता के विषय में कभी कोई शिकायत नहीं मिली। और प्रायः ये देखा जाता है कि जब हमारे ज्वाइंट इंस्पेक्शन के समय और इंस्पेक्शन के लिए जब वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आते हैं और जब उनको इस फर्नीचर उद्योग में काम करने वाले बंदी और जिस प्रकार का माहौल है काम करते हुए देखते हैं तो लगभग सभी लोग इस बात की प्रशंसा करते हैं कि बंदी काफ़ी हुनरमंद हो गए हैं और जो कुछ भी दिखाई देता है उसकी प्रशंसा करते हैं। विगत लगभग 2 वर्ष में हम लोग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक का कार्य मतलब टर्नओवर यहाँ पर दे चुके हैं और करीब 18-19 जनपदीय न्यायालयों को आपूर्ति हमने दी है। तो सर क्या लगता है जो कैदी आए हैं यहाँ पर आजीवन सजा का कारावास काट रहे हैं और ऐसे में अगर उनको कुछ सीखने को मिलता है तो कैसा उत्साह देखने को मिल रहा? देखिए ऐसा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सही मायने में कहा जाए कि कारागार प्रशासन केवल बंदियों पर नियंत्रण करने के लिए अनुशासन में रखने उनको दंडित करने और उनको सजा दिलाने के लिए नहीं है। एक बार सक्षम न्यायालय ने उनको दंडित कर दिया वो उनके सजा का हिस्सा है, सजा के हिस्सा के लिए उनको दंड दिलाना हमारा मतलब मौलिक कर्तव्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के मतलब आधुनिक युग में जो कारागारों की व्यवस्था है वो एक बंदी सुधार और पुनर्वासन के लिए एक संस्था विकसित हो गई है, तो बंदियों को उनको सजा भुगवाएं और साथ साथ में ये सुनिश्चित करें कि उनमें कैसे सुधार आवे और सुधार होने के बाद उनको अगर कारागार में रहते हैं तो कैसे उनका पुनर्वासन करें और कारागार से रिहा होने के पश्चात उनका पुनर्वासन कैसे कर सकें। और ये सुखद अनुभूति ये है कि बहुत सारे ऐसे बंदी भी हैं जिनके परिवार की रोजी रोटी भी यहाँ पे जो अर्जित करते हैं पारिश्रमिक अर्जित करते हैं उसके माध्यम से चलता है, तो इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन की बात क्या हो सकती है कि उनका परिवार भी चल रहा और बहुत सारा मतलब सुधार और पुनर्वासन के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। फर्नीचर में क्या क्या बनाते हैं और कैदियों को इसका क्या फायदा पहुंचता है? कैदियों को जो भी हमारे पास ऑर्डर होते हैं उस ऑर्डर को पर पीस के हिसाब से इनको भुगतान किया जाता है, वो सारा कुछ है। हमारे जो अच्छे कार्य करने वाले बंदी हैं प्रतिमाह करीब 6,000-7,000 रुपए अर्जित कर लेते हैं और करने के पश्चात चूंकि जितनी यहाँ की सुविधाएं हैं सब कुछ फ्री हैं, उनको खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं भी हैं, तो वो मेहनत करके जो पैसा अर्जित करते हैं वो उनको उनका फंड उनका अकाउंट यहाँ पर होता है उस अकाउंट में जमा हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पर जब उनके घर वाले परिजन आते हैं तो उनके डिमांड के आधार पर उनकी अपेक्षा के अनुसार उनका भुगतान उनके परिजनों को दे दिया जाता है, जिससे अपने बहुत सारे काम उनके परिजन भी करते हैं। क्या क्या बनाते हैं सर यहाँ पे? हम लोग सभी मतलब फर्नीचर, लेकिन मुख्य रूप से अभी जो हमको ऑर्डर मिलता है वो चेयर है, मेज है, ऑफिस चेयर है, गवर्नर चेयर है, इवन जो हमारे माननीय जो न्यायिक मजिस्ट्रेट और जजेज हैं जिस डायस पर बैठते हैं वो डायस भी हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। और न्यायिक जनपदीय न्यायालयों में लगभग जितने फर्नीचर होते हैं सारे फर्नीचर यहाँ पर बनाए जाते हैं और उनके डिमांड के अनुसार यहाँ पर आपूर्ति की जाती है। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राजा गुप्ता की रिपोर्ट। कन्नौज के पत्रकार आशीष यादव की जघन्य हत्या के संबंध में राज्यपाल महोदय को जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर मांगों को रखा गया और इसके न्याय के लिए समस्त पत्रकारों ने मौजूद होकर नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता रघुराज सिंह चौहान की रिपोर्ट। We'll be right back.